नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाउडर के बारे में कि कौन कौन से पाउडर फायर सर्विस में आग बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कई बार कमेंट आया है तो आज मैंने इसी के बारे में वीडियो बनाई है। टाइप्स ऑफ डीसीपी पाउडर, टाइप्स ऑफ डीसीपी पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर कितने प्रकार के होते हैं जो हम 10 kg या 6 kg या 5 kg एक्सटिंग्विशर में प्रयोग करते हैं, तो आज उसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डीसीपी पाउडर। डीसीपी पाउडर 4 प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिखे, वो भी बताऊँगा क्यों लिखे हैं। सबसे पहले जो कि हम प्लंजर टाइप 10 kg पाउडर में प्रयोग करते हैं, जो BC जिसके ऊपर लिखा होता है क्लास बी और सी आग के लिए स्पेशियंट होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बी और सी क्लास पे इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मोनो अमोनिया फॉस्फेट, इसको MAP भी बोलते हैं या मैप भी बोल देते हैं, इसको ABC एक्सटिंग्विशर में प्रयोग किया जाता है। और आजकल इसकी जगह पे इसी को प्रयोग करने लग गए ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, केमिकल प्लांट हैं, क्योंकि ये जो इन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इनका वर्गीकरण क्यों हुआ है। इन सभी का वर्गीकरण उसके कार्य के आधार पर किया गया है, ये नहीं है कि भाई सब एक ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे सस्ता पाउडर होता है और कम मात्रा में, और जो कि आग कम मात्रा में है और कम टेम्परेचर वाली है उसी को बुझा सकता है। इनका सबका अलग अलग टेम्परेचर है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं हर पाउडर के बारे में, एक सफिशियंट स्पेशल वीडियो, ठीक है। तो मोनो अमोनिया फॉस्फेट जो कि ABC पाउडर जिसको स्टोर प्रेशर बोलते हैं हम, मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, उसमें डाला जाता है। उसके बाद आता है मोनेक्स, ये भी ABC में डाला जाता है। और उसके बाद आता है टैक पाउडर। टैक पाउडर बोले इसकी फुल फॉर्म मैंने पीछे लिखी हुई है, टर्नरी टैटिक क्लोराइड TEC, टर्नरी टैटिक क्लोराइड। ये मेटल फायर के लिए स्पेशल पाउडर बोला जाता है। जो बोलते हैं कि मेटल फायर पे स्पेशल पाउडर डालते हैं वो यही होता है। ये सभी पाउडर से सबसे, एक तरह सबसे अच्छी क्वालिटी का और आग पे सबसे ज़्यादा टाइम तक टिके रहने का इसके अंदर कैपेसिटी होती है। उसके बाद आता है बोरेक्स। ये बोरेक्स ये मैंने ना तो पढ़ा है और ना कभी देखा है, लेकिन ये सारे मैंने देखे, फिर भी लोग बोलते हैं कि बोरेक्स पाउडर होता है। मैंने इसको लिखा हुआ है खाली आपकी नॉलेज के लिए, बट ये मैंने ना देखा है और ना कभी पढ़ा है। मैंने 4 ही पढ़े हैं और 4 देखे भी हैं, ठीक है। ये वाला है जो इसको ABC पाउडर में भी यूज करते हैं, सॉरी ABC एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं और इसमें भी यूज कर लेते हैं। ये मोनो अमोनिया क्यों बोला गया है, इसके अंदर अमोनिया की मात्रा होती है और अमोनिया इसमें क्या काम करता है, जो पाउडर होता है ना, आप कभी ये देखना, ये वाला पाउडर और ये वाला पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट और मोनो अमोनिया फॉस्फेट, इन दोनों में आपको पता है क्या डिफरेंट मिलेगा, एक तो सबसे सॉफ्ट मिलेगा आपको और वो वाला ना उसके कण बड़े मोटे मोटे मिलते हैं, बड़े ही मोटे कण होते हैं उसके। और इसके अंदर जो मोनो अमोनिया फॉस्फेट है, इसके अंदर जो अमोनिया होती है वो उसके कण को माइक्रोन में तोड़ने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। जो पाउडर के कण होते हैं उसको माइक्रोन में तोड़ देती है, सबसे छोटे से छोटे कण में तोड़ देती है, इसमें अमोनिया का इतना ही कम होता है, ठीक है। और ये टॉक्सिस भी होती है, इसलिए जब आप कहीं पर ट्रेनिंग देते हैं और कहीं किसी भी बंद कमरे में इसको चलाते हैं किसी भी पाउडर को, तो ये बोला जाता है कि मुंह पे कपड़ा बांध करके आप चलाइए,
क्योंकि खासतौर पर मोनोअमोनिया फॉस्फेट, इसमें अमोनिया की मात्रा होती है, इनहेल करके वो आपके लंग्स में डिफेक्ट डाल सकती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द उठेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।